नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अतुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 7 बजे जनरली जो क्लास होती है आपकी लाइव, वो बीईओ एग्ज़ाम से संबंधित यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड होता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ साइंस के 8 बेहतरीन सवालों को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि मेरे द्वारा निर्धारित जो क्वेश्चंस होती हैं वो विगत किसी भी परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न होते हैं, और आज का ये जो सवाल है, जितने भी सवाल हैं, वो पीसीएस 2000 से लेकर के 2017 तक के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये जो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स या खुद हैंड रिटन में इसको लिख लिया करिए, ताकि किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके लिए ये प्रश्न यूजफुल हो सकें। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। दोस्तों, जनरली मैं आपको ये भी बताता हूं कि मेरे जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों का एक क्राइटेरिया ये रहता है कि उससे रिलेटेड भी और जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब आप कर लें, ये मेरा उद्देश्य होता है। दोस्तों, यहां पर देखिए कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। प्रश्न ये है। दोस्तों, यहां पर अगर देखिए तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, गैस्ट्रिन एक एंजाइम नहीं होता, गैस्ट्रिन यहां पर आपका उत्तर सही है, टाइलिन भी एंजाइम है और पेप्सिन भी एंजाइम है। जरूरी नहीं है कि आपसे बार बार यही प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है कि किसी एग्जाम में यह सवाल पूछ ले कि ट्रिप्सिन किसको पचाता है, टाइलिन किसको पचाता है और पेप्सिन किसको पचाता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड यहां पर देखिए, ये जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन को पचाता है। प्रश्न ये है, कभी कभी एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को कहां पर पचाता है, यानी किस अंग में पचाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है, और आप जानते हैं कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डियोडिनम, और यह प्रोटीन को उसी में यानी कि छोटी आंत के पहले भाग डियोडिनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है, वहां पर प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो आमाशय में होता है, और आमाशय में प्रोटीन को सबसे ज्यादा कौन पचाता है, तो वो है पेप्सिन एंजाइम। तो 2 प्रश्न एक ही प्रश्न के साथ, पहला कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसको पचाता है, प्रोटीन को कहां पर छोटी आंत में या ग्रहणी में, और पेप्सिन कहां पर पचाता है, आमाशय में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, यह सबको पता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यह जो टाइलिन एंजाइम होता है ये लार में पाया जाता है, और ये स्टार्च को पचाता है। याद रखिएगा कि टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी कि मंड को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहां पर गैस्ट्रिन आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एंजाइम नहीं बल्कि ये क्या होता है, हार्मोन होता है, और ये हमारे आमाशय में बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा पहला प्रश्न, जिससे रिलेटेड जो और भी सवाल आ सकते हैं उनके बारे में। अब यहां पर ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न, जो कि है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो यहां पर आपका उत्तर सही है, बहु संतृप्त वसा अम्ल। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहां पर होगा बहु असंतृप्त,
बहु असंतृप्त वसा अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मांस में जनरली विटामिन नहीं पाया जाते, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ये जो बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होता है ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, हमारे लिए लाभदायक होता है। और जो संतृप्त वसा होती है वो हमारे लिए हानिकारक होती है, क्योंकि अगर कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाए, यहां पर इसको मैं मिटाऊंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके लिए और भी जो जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा, या फिर एक काम करते हैं इसको पहले क्वेश्चन में ही कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये जो वसा होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, एक होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। जो संतृप्त वसा होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि जब हम संतृप्त वसा को खाते हैं तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। यही कारण है कि जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बीपी, जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है, वो इंक्रीज करने लगता है। लेकिन असंतृप्त जो होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नहीं बढ़ाता, इसलिए यहां पर आपका उत्तर सही होगा बहु असंतृप्त वसा अम्ल, जो कि मछलियों में पाया जाता है। अब बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न के बारे में कि नेत्रदान में प्रदाता यानी कि डोनर की आंख के निम्न में से कौन सी एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर आपका उत्तर कॉर्निया सही है। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट करते हैं रेसिपिएंट्स में। कभी कभी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि किस अंग का प्रत्यारोपण यानी किस ऑर्गन का डोनेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा सफल होता है, तो उसका भी उत्तर यहां पर कॉर्निया ही सही होगा, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है जहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए आपका उत्तर यहां पर कॉर्निया सही होगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से या मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन को रोकता है, इसलिए विटामिन ए को एंटी इंफेक्शन विटामिन कहा जाता है। ऐसे ही विटामिन के जो होता है वो रक्त स्राव को रोकता है, इसलिए इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। एंटी हीमोरेजिक यानी कि रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन। विटामिन सी के बारे में जानते हैं आप कि इसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है, एंटी स्कर्वी विटामिन। और विटामिन ए को एंटी स्टरलिटी विटामिन। स्टरलिटी का मतलब ये हमारे शरीर में नपुंसकता को रोकता है, और नपुंसकता को इंग्लिश में स्टरलिटी कहते हैं, इसलिए इसे एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब पांचवें प्रश्न की ओर मैं बढ़ूंगा। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए तारक काय में डीएनए नहीं पाया जाता, गॉल्जी काय में नहीं पाया जाता, लाइसोसोम में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो हमारी कोशिकाओं में नाभिक में तो डीएनए कंप्लीटली पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें भी डीएनए पाया जाता है, इसलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या को स्वयं बढ़ा सकता है, इसलिए इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि
कारक काय में नहीं पाया जाता, गॉल्जी काय में नहीं पाया जाता, लाइसोसोम में भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वशासित यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अर्ध स्वशासित कोशिकांग ये अपनी संख्या को स्वयं बढ़ाने की क्षमता रखता है। अब आते हैं छठवें प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये देखिए, कॉलरा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ज्वाइंटिस जो होता है वो लीवर से संबंधित डिजीज होता है जिसमें लीवर में इंफेक्शन के कारण बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां पर ये आपका उत्तर मलेरिया सही होगा, जो कि एक प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। याद रखेगा, कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज मच्छर के कारण, तो याद रखेगा कि एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया का वेक्टर होता है, मलेरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसलिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को वेक्टर या वाहक कहा जाता है। लेकिन मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति से सर्वाधिक मलेरिया होता है। तो आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम की चार प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओयूल। और उन सब में सबसे कॉमन मलेरिया का कॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसके कारण मलेरिया होता है। दोस्तों यह है सातवां प्रश्न। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये सारे लिक्विड्स हैं, लेकिन ये इसमें से डी वाला ऑप्शन आपका उत्तर सही है, क्योंकि ये धातु होता है और आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप जनरली जानते हैं कि धातुएं सदैव सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इसमें पारा एक प्रकार का धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है और यहां पर उष्मा का अच्छा चालन होता है। तो आपका उत्तर डी सही होगा। आते हैं आठवें प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा तत्व का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर बहुत ही फेमस सही है, जिसका नाम है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 नामक तत्व सर्वाधिक गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, और आप जानते हैं कि गामा किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में, गामा किरणों रेडिएशंस को जो है हम अंगों की सिकाई करने में यूज करते हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि आयोडीन 131 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये थायराइड के उपचार में किया जाता है, थायराइड के उपचार में। और अगर पूछा जाए कि फास्फोरस नामक आइसोटोप का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो ये हड्डियों के उपचार में किया जाता है। याद रखिएगा, हड्डियों के उपचार में किया जाता है। तो इस तरीके से ये बेहद ही महत्वपूर्ण 8 प्रश्न, जिनके जवाब आपको अभी प्राप्त हुए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।